सुर्खियों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर स्टील टीएमटी सरिया और एम्स गारमेंट्स बारामूला। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 3 नवंबर 2020 16 रबी अल-अव्वल 1442 बरोज़ मंगलवार यानी ट्यूसडे हैं। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन, पेश मुकामी अखबारात की सुर्खियां, में हुरूफ़ सूफी। सबसे पहले उठाते हैं रोज़नामा आफ्ताब और इससे चंद अहम सुर्खियां समाप्त करें। नए अराजी कवानीन की मुखालफत गैर ज़रूरी। नए अराजी कवानीन के तहत 90% ज़रिए अराजी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। पुराने कवानीन फरसुदा और गैर मौजू थे, अब सनती इनकलाब आएगा और नौजवानों के लिए रोज़गार के वसाइल पैदा होंगे। ज़रिए अराजी सिर्फ मुकामी काश्तकारों को ही फरोख्त की जा सकेगी। वो मुकामी बाशिंदे जो काश्तकार नहीं है वो भी ज़रिए ज़मीन नहीं खरीद सकेंगे, रोहित कंसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत। दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर अर्जियों पर फौरी तौर सुनवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर। नवे कवानीन के नफाज पर भी दरखास्त गुजार ने सवाल उठाए। गोश्त की कीमत 480 रुपये फी किलो मुकर्रर। खिलाफ वर्जी करने वाले कसाबों के खिलाफ FIR दर्ज होगा डिविजनल कमिश्नर। अलादीन के चिराग ने फिर से किया लोगों को माला माल, डॉक्टर ने 70 लाख रुपये के इवज अलादीन का चिराग खरीद लिया। 4 माह कबल मुसाफिर किराए में 30% का इजाफा, निजी ट्रांसपोर्टरों की चांदी ही चांदी, समाजी दूरी बालाई ताक। 40 बरस बाद अखरोट की पैदावार में इजाफा, बाहर की मंडियों में कीमतों में गिरावट से ताजर परेशान। तुर्की ने आजरबाइजान के लिए एक बार फिर अपनी हिमायत का ऐलान कर दिया, आर्मीनिया कई इलाकों पर काबिज होना चाहता है और यही लड़ाई की असल वजह है, तुर्क वजीर खारजा। अमरीका के ताज़ा इंतखाबी सर्वे में जो बाइडन ट्रंप से आगे। बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस के साबिक स्पेशल जज की सिक्योरिटी बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, रुपए 32 पैसे फिसल गया। शहर समेत शुमाल व जुनू में बिजली की आंख मचोली से हाहाकार। शाम होते ही हर सो गुप अंधेरा छा जाता है, लोगों में महकमे बिजली के खिलाफ शदीद गम व गुस्सा। श्रीनगर टाइम्स में आज नाज़रीन, अमरीकी सदारती इंतखाबात के नतायज का मामला दिलचस्प और अजीब। वक्त से पहले ट्रंप की जीत के ऐलान की अफवाहें ट्रंप ने मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तानी वजीर पुलवामा हमले में अपने शरीक होने का ऐलान करता है, मगर कांग्रेस पाकिस्तान और चीन के गीत गाने से बाज नहीं आती, राजनाथ। सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर अर्जियों पर फौरी सुनवाई के लिए दरखास्त दायर। पटिशन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ज़मीनी कवानीन में तब्दीलियों को गैर कानूनी अमल करार दिया गया। मुकामी अस्करत पसंदों के तई बाजाबादकारी की पॉलिसी का मुतवक्का ऐलान, मरकजी वजारत दाखिला और वजारत दिफा के दरमियान सलाह मशवरे के बाद फैसला होगा, तर्जमान। डेमोग्राफी तब्दीली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सिविल सोसाइटी फोरम का मुजाहरा। नए अराजी कवानीन के खिलाफ मार्च करने की कोशिश नाकाम, कायद अब्दुल कयूम साथियों समेत गिरफ्तार। वादी में सरमा के दौरान कब कब और कौन कौन ऑफिसर तैनात रहेंगे, जजल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से डेट शीट जारी, 19 ऑफिसरों की नामजदगी। मौसम सरमा की आमद से कबल ही सर्दी से बचाव के आलात की खरीदारी में इजाफा, लोग गर्म मलबूसात कांगड़िया कोयला व दीगर अशियाई ज़रूरिया की खरीदारी करने में मसरूफ। शहर श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में पुलिस की मुनशियात मुखालिफ कार्रवाई, बड़ी मकदार में ममनू अद्वियात जब्त करके मुनशियात फरोश को गिरफ्तार करने का दावा। जम्मू कश्मीर में अलल सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, रेक्टर पैमाने पर शिद्दत 3.5, जानी व माली नुकसान की कोई इतला नहीं। एप्पल दुनिया की 3 बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों की फहरिस्त से बाहर। नाज़रीन, अखबारात में आज ये भी लिखा है कि 2 घंटे से ज़ायद स्क्रीन टाइम बच्चों का जहन मुतासर कर सकता है। ग्रेटर कश्मीर में आज नाज़रीन, इंडिया लॉग्स 45,000 न्यू केसेस, ग्लोबल केसेस टॉप 46.4 मिलियन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सप्लाई ऑफ फायर वुड टू रजिस्टर्ड एजेंसीज। दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू इन दिस एडिशन ऑफ बुलेटिन। हैव अ नाइस डे। आप सुन रहे थे मकामी अखबारात से आज की सुर्खियां। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ। सुर्खियों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर स्टील टीएमटी सरिया और एम्स गारमेंट्स बारामूला।